हमारी खास पेशकश अफसरनामा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राज वर्मा और अफसरनामा के हमारे इस खास सफर में इस बार हमारे साथ हैं 2008 बैच के IAS अधिकारी सोनल गोयल। सोनल जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जितना मैं जान रहा हूँ कि जो आपकी जर्नी रही, शुरुआत में आपने प्राइवेट नौकरी की और उसके बाद IAS बनने तक का ये सफर, किस तरह की जर्नी थी? मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में जैसे आपने कहा शेयर करूं तो मैं जब कॉलेज में थी, बेसिकली हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट नेटिव प्लेस है मेरा, लेकिन मेरी पूरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो 2003 की बात है ये, जब मैं थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी, मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा। फ्रैंकली उससे पहले हमारी फैमिली में किसी ने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा नहीं, किसी ने ये एग्ज़ाम दिया नहीं। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, मुझे लोगों तक पहुंचने का और सोसाइटी के लिए, देश के लिए कुछ करने का ये मुझे अवसर इसमें आके मिलेगा। जब मैंने ये बात अपने घर में फैमिली में डिस्कस करी और स्पेशली अपने फादर से, तो बहुत सारा हेजिटेशन सबके माइंड में आया, अप्रिहेंशंस आया, क्योंकि मैं उस टाइम में CS भी कर रही थी ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो पहले प्लान यही था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी या फिर मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी फॉर्म वगैरह खोलूंगी। तो जब इसके बारे में डिस्कस किया तो बहुत सारा अप्रिहेंशंस आया सबके माइंड में कि सबसे पहले तो इतना टफ एग्ज़ाम है, 10 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स जो हैं प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन कुछ हंड्रेड्स में होता है, उसके बाद में सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो भी शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, फिर सिलेक्शन के बाद कौन सी सर्विस मिलेगी ये भी नहीं पता, उसके बाद में सर्विस के बाद क्या आपका कार्डर आएगा और कैसे आपकी फैमिली लाइफ आगे रहेगी, ये सब को सोचते हुए डिस्कशंस काफ़ी लंबे चले। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, मुझे एक बार ये एग्ज़ाम देखना है, एटलीस्ट मुझे ट्राई करना है, तो फिर मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। और मेरे फादर ने एक और एडवाइस दी कि क्योंकि ये एग्ज़ाम में शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि आपका प्लान बी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। तो प्लान बी का मतलब क्या कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो मैं क्या करूँगी और मेरा करियर में और आगे मैं क्या क्या करूँगी, ये मुझे सोचना चाहिए। तो मैंने उस एडवाइस को मानते हुए पहले अपनी ग्रेजुएशन 2003 में कंप्लीट करी। 2004 में क्योंकि मैं CS साथ में कर रही थी तो वो मेरा CS कंप्लीट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया। और सेम ईयर 2004 में मैंने LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि CS LLB एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है अगर हम कॉरपोरेट लीगल सेक्टर की बात करें। तो उसमें मैंने एडमिशन लिया, लॉ ज्वाइन किया, लॉ की रेगुलर क्लासेस मैं अटेंड करनी शुरू करी, साथ ही साथ मैंने पार्ट टाइम सर्विस शुरू करी एज कंपनी सेक्रेटरी और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। मेरा एम टारगेट सिविल सर्विसेज के अंदर आने का था। तो 2004 से 2007 तक मेरे ये जो 3 साल रहे, इसमें तीनों चीज़ें पैरेलल चली कि मेरा फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, उसमें सिलेक्ट होना, LLB की रेगुलर क्लासेस और साथ ही साथ में CS का पार्ट टाइम जॉब। बहुत टफ था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, फोकस रखना था सिविल सर्विसेज के ऊपर। 2006 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट जब दिया तो मैंने सेकंड स्टेज तक मैं गई, मैंने मेंस लिखा। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे को उस साल में इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो इंटरव्यू कॉल नहीं आई तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई, डीमोटिवेटेड हो गई, पता नहीं आगे क्या होगा कैसे नहीं। बट फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक अटैम्प्ट तो देना ही है और मैंने इस तरीके से कोशिश करी कि जो मैं अब अटैम्प्ट दूँगी इसमें मुझे अपने ऊपर कोई ग्रज बाद में नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी मेहनत जो मैं कर सकती थी मैंने करी। 2007 में जो एग्ज़ाम दिया उसमें मुझे मेंस में जो पहले भी एग्ज़ाम दिया था उसका एक्सपीरियंस मुझे काम आया, मैंने अपनी वीकनेसेस को रिमूव करके मेहनत से एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया। मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला और बाय गॉड्स ग्रेस 2008 में जब रिज़ल्ट आया हमारा मई 2008 में, तो आई गॉट सिलेक्टेड और मेरी रैंक ऑल इंडिया 13th थी। तो वो दिन मुझे आज भी याद है किस तरीके से जो आप इतने सालों की मेहनत करते हो और वो जब सफल होती है। और साथ ही साथ जो आपने मेरे से जो सवाल पूछा कि मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में थी, तो प्राइवेट सेक्टर में
मेरा मतलब जो जब मैंने 11th में जो कॉमर्स ऑप्ट किया था तब से लेके माइंड में यही था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करूँगी। मेरे फादर CA हैं जैसे मैंने बताया, मेरी सिस्टर भी उस टाइम में CA ही कर रही थी और मेरा छोटा ब्रदर है वो भी उसका भी यही था कि शायद वो कॉमर्स में ही ज्वाइन करेगा। तो वो एकदम से शिफ्ट होना और लाइफ में इतने सारे चेंजेस आना वो मेरे लिए बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत एनरिचनिंग एक्सपीरियंस था। फिर जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में ज्वाइन किया। लवासना मेरे लिए फर्स्ट हॉस्टल था लाइफ का, मैं इससे पहले कभी अपनी फैमिली से अपने परिवार से दूर नहीं रही। वहाँ जाके मेरे बैचमेट्स कलीग्स जो कि देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे, विभिन्न स्टेट से, और उनका कल्चरल हेरिटेज, उनका बैकग्राउंड, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उन सब से इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर जब यहाँ पे हमारा काडर आया तो मेरा काडर मणिपुर त्रिपुरा काडर आया था, वो जॉइंट काडर था उस टाइम में, और मुझे त्रिपुरा काडर फिर बाद में अलॉट किया गया था। मैंने काडर 2009 जून में ज्वाइन किया। 2009 to 2016 मैंने त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 4 साल मैं हरियाणा आई ऑन इंटर काडर एडेप्टेशन। अभी मैं बैक टू काडर हूँ। ऐसी बात है, मतलब तमाम युवाओं के लिए ये जो सफ़र है उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि एक सोच, और उस सोच में अगर वो जो आत्मविश्वास है आपको अपने ऊपर, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो यही वो एक सफ़र था जो एक प्राइवेट नौकरी से जो है सोनल जी को आज एक IAS अधिकारी तक लेकर पहुँचा। हेल्थ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हम देखते हैं कि लगातार सुबह मॉर्निंग योगा से लेकर रनिंग हो, ये सब, क्योंकि जो लाइफ एक IAS अधिकारी की, फिर इसके अलावा क्योंकि बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो उन सबको, तो इस सब के बीच ये तालमेल कर पाना और अपनी हेल्थ को लेकर जिस तरह से, तो ये बचपन से ही ये था या लगा कि बीच में कि ठीक है थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने आप। मैं अगर फ्रेंकली अपने बारे में बताऊं तो मैं बचपन से तो फिटनेस फ्रीक नहीं थी। फिटनेस फ्रीक क्या, मैं अपने आप को, जैसे मैंने अपने ट्विटर हैंडल में अभी कुछ दिनों पहले ऐड किया हेल्थ एंथुसियास्ट, हेल्थ एंथुसियास्ट लिखा, मैंने फिटनेस फ्रीक नहीं मैं बोलती अपने आप को। हाँ, थैंक यू। तो एक्चुअली एक लेडी के लिए, मुझे एक्चुअली बाद में शादी के बाद में एक लेडी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और स्पेशली व्हेन अ फीमेल बिकम्स अ मदर, स्पेशली जब यू बिकम प्रेग्नेंट एंड यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो बहुत सारे चेंजेस किसी महिला की लाइफ में आते हैं, उसकी बॉडी में आते हैं, फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। तो मेरी को अपनी जर्नी में एक चीज़ मैंने अपनी सर्विस में सीखी कि फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम बीमार रहेंगे, अगर हम मेंटली खुश नहीं रहेंगे, वी कैन नॉट गिव आवर बेस्ट। तो अगर मैं फ्रेंकली बात करूँ, जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड हुआ, जब मेरी डॉटर हुई 2013 में, ऑफकोर्स वो सबके साथ ही होता है, आई ऑल्सो गेंड वेट और 17-18 केजीज आई थिंक मैंने गेन किया उस टाइम में। डिलीवरी हुई मैं त्रिपुरा में, उसके बाद मैं DM लगी, DM शिप मैंने की, कोशिश करी मैंने थोड़ा वेट लॉस मैं करूँ, लेकिन फ्रेंकली मैं उतना नहीं कर पाई। जॉब का प्रेशर भी रहता है, प्लस यू आर अ मदर, घर भी देखना है, ऑफिस का भी काम है, तो उस टाइम उतना मैंने उतना लूज़ नहीं कर पाई। कुछ हुआ बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। फिर वो ऐसे ही आई एक्सेप्टेड, एक्चुअली फ्रेंकली आई एक्सेप्टेड, इट इज़ पार्ट, ही क्या हो जाएगा। आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्शियस इन द सेंस कि मेरे माइंड में उतना फितूर नहीं था। फिर मैं हरियाणा में आई, फरीदाबाद में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, इंटर कार एडेप्टेशन पे आई। बहुत एक्टिव प्रोफाइल था, मैं कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी और उसके साथ CEO स्मार्ट सिटी भी थी, दोनों चार्जेस थे, बहुत एक्टिव प्रोफाइल रहता था। उस टाइम में मेरा वेट गेन आई थिंक और ज़्यादा हो गया। फिर मेरी झज्जर ट्रांसफ़र हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं माइंड में ये हमेशा रहता था कि मुझे अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना चाहिए, बट मैं नहीं निकाल पा रही थी। झज्जर में जाके मुझे फ्रेंकली ऐसा लगा कि अब इसके बियॉन्ड नहीं इंक्रीज़ होना चाहिए। तो मैंने फिर कोशिश करी, अपने मन में ठाना, तो मैं इट इज़ लाइक एंड ऑफ 2017 या आप बिगनिंग ऑफ 2018 लगा लीजिए, जब मैंने अपने एफर्ट्स देने शुरू करे, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आई वॉज डिप्टी कमिश्नर देयर, तो DC रेजिडेंस में भी काफ़ी जगह होती है,
सुबह मैंने थोड़ा मॉर्निंग वॉक घर में रनिंग स्टार्ट किया और मेरे पास कुछ अपना एक सेटअप मशीन्स का हमेशा कई सालों से रहा है, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्यूनर ये सब रहते हैं। उसके साथ साथ मैंने एरोबिक स्टार्ट किया तो वो लगभग 6 से 8 महीने में मैंने 15-16-17 किलो तक मेरा कम हुआ वेट। बहुत रिग्रेसली तो मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया कि अगर करना है हफ्ते में 5 दिन अगर करना है तो करना ही है। इवन तो आपको सुबह सुबह फील्ड विजिट के लिए भी निकलना है तो अगर सुबह नहीं टाइम मिल रहा तो मैं रात को ट्राई करती थी कि सोने से पहले एटलीस्ट जब मैं ऑफिस आई हूँ तब करूँ या नहीं तो मैं मॉर्निंग में करूँ। तो ये मेरा एक रूटीन बना तब से 2018। उसके बाद मेरा सेकेंड चाइल्ड हुआ 2019 में, अगेन देन आई गेन वेट ऑफ कोर्स, उतना ही मेरा ऑलमोस्ट जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में गेन हुआ उतना ही सिमिलर गेन हो गया। फिर क्योंकि मेरी एक आदत में आ गया था, एक रूटीन मेरा बन गया था 2018 से कि मुझे एक्सरसाइज करनी है एंड आई यूज़ टू फील बैड इफ़ आई डोंट एक्सरसाइज, या मैं कुछ ना कुछ या तो योगा करूँ, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ तो मुझे था कि मुझे करना है। तो आफ्टर माई सेकेंड चाइल्ड अगेन आई स्टार्टेड और थैंकफुली मैंने जो मेरे रूटीन रहता है, मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि सुबह का ही टाइम मैं दूँ, तो उससे मेरा फिर आई कुड एक्चुअली नॉट कम बैक टू दी एग्जैक्ट पहले वाला, बट फिर भी काफी हद तक मैं वेट लूज कर पाई। अगर पिछले तो, पिक्चर्स भी देखें हाँ, तो वो असर दिख रहा है। तो आप मेरी 2015-16 की पिक्चर्स अगर देखोगे तो एवरीबडी सेज कि देयर इज लॉट ऑफ चेंज, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मुझे लगता है कि एक महिला को अपने हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, उसको थोड़ा समय देना चाहिए क्योंकि अगर महिला ही घर में ठीक नहीं रहेगी तो उसके ऊपर जो बच्चे डिपेंडेंट हैं और उनकी जो फैमिली का जो एक पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है, मुझे लगता ये है। प्रॉब्लम है और ख़ासतौर से शादी के बाद ये एक बदलाव आता है और आमतौर पर हो सकता है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारी और दूसरे जो रूटीन्स है उसमें इतने व्यस्त हो जाती हैं खासतौर से महिलाएं कि वो अपनी हेल्थ को लेकर फिर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन आपने जो बदलाव किया तो मैं अब वही है कि मेरे कोशिश जैसे मिलता है समय, या तो मैं मॉर्निंग में पार्क में जाती हूँ या स्टेडियम में जाती हूँ या नहीं तो मैं घर में ही करती हूँ कुछ ना कुछ, 1 घंटा निकालने का मेरा पूरी कोशिश भी आप काफी डाइट। हाँ ये है कि बहुत मैंने डाइटिंग फ्रैंकली कभी नहीं की है, जो बोलते हैं कि दिस डाइट दैट डाइट, आई हैव नेवर फॉलोड एनी डाइट रिजीम मैसेज, बट ये है कि आई ट्राई टू ईट हेल्दी और मैं कभी अपने मील्स भी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि आई फील कि वी नीड एनर्जी ना बॉडी, और अगर मैं नहीं खाऊं तो मुझे वो एनर्जी फील नहीं होती है, मतलब मेरे को फास्टिंग वगैरह करना, डाइटिंग करना वो नहीं अच्छा लगता है। आप खाइए, शॉर्ट मील्स लीजिए और हेल्दी मील्स लीजिए, फ्रूट, सैलेड, सूप्स, और क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो घर का बना हुआ पनीर और जो है सोया, ओट्स, ये सब, मिल्क, मतलब ये घी, मतलब बाहर का अवॉइड करते हुए घर का खाना, फ्रेश खाना, आई थिंक आप उसको अप्रोप्रिएटली खाएंगे तो दैट विल नॉट मेक यू गेन वेट, दैट विल इन टर्न प्रोवाइड यू एनर्जी। आपको रफेज फाइबर वो अच्छा खाना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो लगातार जो अफसरनामा का जो सफ़र है वो हमारा जारी है और इसके बाद सोनाली जी के साथ उनके ऑफिस भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे कि किस तरह से घर से जब ऑफिस पहुँचती हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। सोनल गोयल जी के साथ हमारा ये अफसरनामा का सफ़र लगातार जारी है और अब ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले जो समय है इसमें भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से दो अलग अलग स्टेट्स में आपने सर्व किया और वो जो एक्सपीरियंस आपका रहा, क्योंकि त्रिपुरा कार्डर से आप आते हैं तो शुरुआती जो आपकी सर्विस रही वो त्रिपुरा की रही और उसके बाद हरियाणा में आपने 4 साल अलग अलग जिलों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम किया, तो किस तरह से देखते हैं इस जर्नी को भी खासतौर से कि दो स्टेट्स का जो एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इंडिया के दो विभिन्न रीजन्स को, दो विभिन्न पार्ट्स को, जिसमें कल्चर, लैंग्वेज, उनका फूड हैबिट्स डिफरेंट है, वहाँ पे जाके काम करने का मुझे अवसर मिला। तो मैंने हरियाणा 2016 में ज्वाइन किया, उससे पहले 2009 से 2016 जुलाई तक मेरी त्रिपुरा में पोस्टिंग रही। त्रिपुरा एक बहुत ही सुंदर राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है और बांग्लादेश
जो कंट्री है उससे तीन साइड बॉर्डर त्रिपुरा का लगा हुआ है, और एक साइड त्रिपुरा का जो नॉर्दर्न पार्ट है उससे आसाम और मिज़ोरम का थोड़ा सा स्टेट का पार्ट आता है। तो त्रिपुरा में जाके जब मैंने एक्चुअली फ्रैंकली ज्वाइन किया, तो क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा नॉर्दर्न इंडिया में रही, कभी उस तरफ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कभी मैंने ट्रैवल भी नहीं किया था पहले, तो जाके थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हुआ लोगों का बोली जो वहाँ लैंग्वेज है बंगाली ज़्यादातर बोली जाती है, हालांकि वहाँ पे 19 ट्राइब्स हैं और कुछ सब ट्राइब्स भी हैं, और जो मेजर ट्राइब्स हैं वहाँ के वो कोकबुरक लैंग्वेज है वो बोलते हैं। तो उनकी कोकबुरक लैंग्वेज और बंगाली लैंग्वेज को मैंने वहाँ पे जाके देखा, उनको सुना, और बंगाली फ्रैंकली मैंने वहाँ जाके सीखी, और अब मैं बंगाली बोल भी सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ और लिख सकती हूँ। यानी कि नज़रिए को बदला जा सकता है, वो एक चाह होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें। हरियाणा की बात करें, क्योंकि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में रहें काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, गुरुग्राम की बात करें तो GMDA के अलावा आपके पास गुरुगमन जो बस था वो आपके पास था, इसके अलावा फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी आपने देखा, तो किस तरह से जो वो टेन्योर रहा, किस तरह से वो बदलाव, क्योंकि शुरुआत पे बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई थी और उसको आगे लेकर चलना था। फरीदाबाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, मैं कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और CEO स्मार्ट सिटी का भी चार्ज मुझे मिला। फरीदाबाद हम सबको पता है हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अर्बन लोकल बॉडी है, और चैलेंज तो डेफिनेटली एक अर्बन म्यूनिसिपल बॉडी में ज़रूर रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्टेड बॉडी रहती है, वहाँ काउंसलर थे, 35 काउंसलर थे, और मेरे सामने ही जब मैं कमिश्नर थी तो मेरे सामने ही वहाँ चुनाव हुआ था, तो नई एक बॉडी इलेक्ट होके आई थी, नए काउंसलर्स आए थे और नए मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, उनका ऑथ टेकिंग सब मेरे सामने हुआ था, और साथ ही साथ में फरीदाबाद ही बना था फर्स्ट सिटी इन हरियाणा टू बी सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटीज़ मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो ये जो चैलेंज था, मतलब मेरे सामने चैलेंज ये था कि शहर में जो सुविधाएं हैं, जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, उनको किस तरीके से लोगों तक बेहतर पहुंचाया जाए, साथ ही साथ में स्वच्छ भारत अभियान एक प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में वो हरियाणा में बहुत आगे उसको ले जाया जा रहा था, तो फरीदाबाद जैसे बड़े शहर में उसको कारगर करना, उसकी सफलता को लाना, वो एक चैलेंज था, और साथ ही साथ में स्मार्ट सिटीज़ का, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट था हमारी हरियाणा सरकार के लिए भी, तो उसमें किस तरीके से कौन से प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं, किन प्रोजेक्ट्स से हमारी सिटी का फ़ायदा होगा, साथ ही साथ में PMC को लेके आना और मिनिस्ट्री के साथ कांस्टेंट उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, तो ये सब काम चैलेंजिंग तो डेफिनेटली था, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। मेरे को ये जो एक्सपीरियंस मिला, ये आई थिंक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। गुड़गांव में भी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, क्योंकि GMDA और इसके अलावा गुरुगमन जो बसेज हो सकता, गुरुग्राम को, क्योंकि जाहिर सी बात है फरीदाबाद और गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन झज्जर और त्रिपुरा की बात करो, फिर गुरुग्राम की जो पोस्टिंग रही, तो वहाँ भी कई तरह के बदलाव आपने अपने रहते हुए किया, और जिसने खासतौर से कोविड के दौरान भी जो था पूरी मॉनिटरिंग और एक तरह से कहिए कि वो पूरा एक वॉल आपने क्रिएट किया हुआ था, जहाँ से पूरे शहर पे चप्पे चप्पे पे नज़र आप रख सकते। जी 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 बिल्कुल, गुड़गांव शहर जो है वहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर के भी लोग रहते हैं, वहाँ पे माइग्रेंट लेबरर्स भी हैं, वहाँ पे ऐसे भी लोग काम करते हैं जो कि डेली अपनी जॉब के लिए आ रहे हैं, डेली वर्कर्स भी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जो प्राइवेट सेक्टर में भी ऑन डेली बेसिस जो कम्यूट करते हैं, और बहुत सारी RWAs हैं, सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे, और आपको पता है कि कुछ मतलब प्राइवेट बिल्डर्स ने वहाँ पे अपने जो रेजिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल एरिया सेटअप किए हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स सिटी है गुड़गांव, लेकिन साथ ही साथ में जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर कोविड विशेष रूप से जब हुआ, तो लोगों ने एक दूसरे की मदद काफ़ी करी, मतलब मैं लास्ट ईयर जब कोविड का फर्स्ट वेव जब
अनफॉर्चुनेटली पूरे इंडिया में आया, पूरे वर्ल्ड में आया. तो चैलेंज हमारे पास था कि टू केटर टू दिस मल्टीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें. और ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ पे काफ़ी हैं, जैसे GMDA हैं जहाँ पे मैं एडिशनल CEO थी, और उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर रहते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम है जो कि कमिश्नर हेड करते हैं, GMCBL जो सिटी बस है, HSVP तो, और कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन तो है ही. तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हो. तो लास्ट ईयर हमने ऐसे ही कोविड में हमको ऐसा लगा कि वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड टू डिलीवर. एक लैब के साथ एक ऑथराइज लैब थी, गवर्नमेंट की ऑथराइज लैब थी, उसको टाई अप करके वहाँ पे मोबाइल टेस्टिंग फैसिलिटी भी फॉर COVID-19 वो भी डेवलप की गई. तो बहुत चैलेंजिंग तो था गुड़गांव में काम करना, लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ हम सब लोग मिल के कर पाए क्योंकि एक टीम वर्क वहाँ पे अच्छा एस्टैब्लिश है. ऐसी बात है, अगर मिल के चीज़ें की जाए तो आसान भी हो जाती है और उसका एक असर जो है, इम्पैक्ट जो है वो दूर तक जाता है. वापस अपने कार्डर में आप हैं और यहाँ पर स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर अब दोबारा आप यहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो ऑफिस किस तरह से काम करता है वो भी हम देखेंगे. और लगातार जो है सोनल जी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चाएं चल रही हैं, तो आप ऑफिस की तरफ जाएंगे और वहाँ जो जिम्मेदारी है उसको किस तरह से निभाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे. आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ. सोनल गोयल जी के साथ हमारा ये सफ़र लगातार जारी है और अब उनके पास जो जिम्मेदारी है त्रिपुरा वाहन दिल्ली में स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर अब काम कर रहे हैं. मैम, हरियाणा, पहले त्रिपुरा, फिर हरियाणा और वापस अभी त्रिपुरा भवन में आपके पास ये जिम्मेदारी है. त्रिपुरा स्टेट के लिए इस जिम्मेदारी को, इस रोल को किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर ये रोल है बतौर स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर? जी, मेरी यहाँ पोस्टिंग इस साल फरवरी में एंड में मैंने ज्वाइन किया. और अगर हम यहाँ की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये फ्रैंकली कोई फील्ड पोस्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है यहाँ पे, क्योंकि सबसे विशेष बात है कि हमारा सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए 90:10 फंड रेशो का प्रपोर्शन रहता है सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में. तो उसमें जो 90:10 का रेशो है उसके अंतर्गत हमारा जो फॉलोअप करना है केंद्रीय सरकार की जो स्कीम्स के लिए, जो फॉलोअप करना है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनसे कोऑर्डिनेशन करना. यहाँ पे मीटिंग्स रहती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंतर्गत, उन मिनिस्ट्रीज़ के साथ में वो मीटिंग, वहाँ पे जाके मीटिंग अटेंड करना, स्टेट को रिप्रेजेंट करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है. और साथ ही साथ में हमारा जो यहाँ से कुछ कोऑर्डिनेशन जो स्टेट के लिए ज़रूरी रहता है उसको इंश्योर करना, और विशेष रूप से यहाँ इवेंट्स होते हैं. अभी तो कोविड की वजह से थोड़े इवेंट्स पिछले 1.5 साल में कम रहे, लेकिन अब जैसे जैसे हमारा लाइफ नॉर्मलाइज हो रहा है तो उस तरीके से, जैसे अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पे त्रिपुरा गवर्नमेंट की ओर से इन्वेस्टर समिट स्टेट में हुआ था 9-10 दिसंबर में, उसके लिए रोड शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, त्रिपुरा डे सेलिब्रेशन किया गया. इसी तरीके के यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, दिल्ली हाट में जो आदि फेस्टिवल लगा वहाँ पे त्रिपुरा का जो है वहाँ के क्राफ्ट्समैन ने आके अपना स्टॉल लगाया. तो जितने भी इस तरीके के इवेंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोफाइल है. और साथ ही साथ में जितना VIP विजिट्स रहता है वहाँ पे, से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आते हैं, सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, गवर्नर सर आते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन करना, विजिट का कोऑर्डिनेशन करना, यहाँ से सेंट्रल मिनिस्टर्स की वहाँ पे विजिट रहती है उसका कोऑर्डिनेशन करना, और साथ ही साथ भवन की जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे त्रिपुरा भवन में अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको देख रेख करना. यहाँ पे 2 भवन हैं, इवन दो छोटे हैं भवन, हमारा छोटा राज्य है, लेकिन इसकी देख रेख करना, इसका अपकीप करना, जो बोर्डर्स हैं, लॉजर्स हैं, उनको परेशानी ना हो, ये सब भी काम है. तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका, इस प्रोफाइल का आस्पेक्ट है वो ये है कि हमारा राज्य सरकार का केंद्र सरकार से जो लिंक है
वो एक ऑफिस जो है उसकी भूमिका यहाँ से निभाई जाती है। बहुत सारी चर्चाएं की एक आखिरी सवाल या आपकी तरफ से एक मैसेज खासतौर से यूथ के लिए, क्योंकि यूथ से जो आपका जुड़ाव है वो हमेशा रहता है और लगातार हर मंच पे जो है आप यूथ के सामने अपनी बात भी रखते हैं और किस तरह से वो अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हर पहलू को आप रखते हैं, तो एक लास्ट मैसेज जो यूथ है उसके। स्वामी विवेकानंदा जी के, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बहुत इंस्पायर करते हैं, तो आप भी ऐसे लोगों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और अपनी लाइफ में एक दिशा के साथ आगे बढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मौके पे स्वामी विवेकानंदा जी का एक कोट, जो मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब ने सुना ही होगा, फिर भी मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी कि ऑल पावर इज़ विद इन यू, ऑल पावर इज़ विद इन यू एंड यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि हमारा खुद पे आत्मविश्वास हो, हमारा सेल्फ बिलीफ और हमारा खुद पे कमिटमेंट हो कि हमें ये चीज़ करनी है और ये हम ऐसे करेंगे और हम इसको अचीव करके दिखाएंगे। तो अगर हम ये खुद ठान लें, तो हमारे सच्चे एफर्ट्स हो, हमारा फोकस हो और हम डिसिप्लिन के साथ अगर किसी चीज़ पर अपनी मेहनत करते हैं, तो लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको वो एक्स की फॉर्म में ना मिले, लेकिन वो दूसरे किसी वाई की फॉर्म में, किसी दूसरे तरीके से आपको ज़रूर प्राप्त होगी। हमेशा आप खुश रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहो, हेल्दी रहो। लाइफ में अप डाउन सबके आते हैं, आते रहेंगे, उससे निराश नहीं होना है। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड और देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, यही मेरा यूथ से और सभी से यही मेरी मैसेज है, सभी से यही अपील है। बेहद खूबसूरत मैसेज है और कहीं ना कहीं वो भरोसा जो है वो आपको अपने ऊपर दिखाना होगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी जीना बेहद ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी सभी को निभानी भी चाहिए। मैम, आपने हमें समय दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अफसरनामा के इस सफ़र में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।